मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कानपुर में बेजुबान जानवर के साथ घिनौनी हरकत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुजैनी थाना क्षेत्र के रहने वाला अधेड़ ने रात के अंधेरे में गाय के साथ गंदा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल है। स्थानीय लोगों ने अधेड़ की पुलिस में शिकायत की और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया। इसके बाद पुलिस ने अधेड़ की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 का रहने वाला 57 साल के ब्रजेश मिश्रा ने रात के अंधेरे में गाय के साथ अमानवीय हरकत की। उसका यह घिनौना काम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद उसका यह वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो गया। मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में ब्रजेश की शिकायत की थी और वीडियो भी पुलिस को दिया गया। पुलिस ने वीडियो में नज़र आ रहे व्यक्ति की पहचान के लिए जांच की टीम बनाई और उसमें सामने आया कि वीडियो में नज़र आ रहा व्यक्ति ब्रजेश ही है। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गुजैनी में 57 वर्षीय एक व्यक्ति अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। 377 के अंतर्गत आईपीसी के 377 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और 377 का इंग्रेडिएंट की अननेचुरल सेक्स विद एनिमल के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। हमें अब तक की विवेचना में कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के कई जानवरों के साथ जो है उनके इस प्रकार के जो है साक्ष्य हमारे पास आए हैं। 2-3 डिफरेंट एनिमल्स के साथ हमें ये साक्ष्य मिले हैं। हम बाकी और चीज़ों को देख रहे हैं और प्रथम दृष्टया विवेचना में अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा वो मानसिक रूप से असंतुलित भी देखे गए हैं। हालांकि इसके लिए भी उनका मेडिकल चेकअप और उनका जो न्यूरोलॉजिकल और मेंटल इलनेस जो प्रथम दृष्टया हमें दिखाई देता है उसके लिए भी आवश्यक चेकअप हम करवा रहे हैं। जो भी गुण दोष के आधार पर विधि अनुरूप और समाज के व्यापक हित के अनुरूप कार्यवाही है वो हम करेंगे। 377 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है।